देखिए हाँ, सबसे पहले मिलिए हम लोग का ये सुंदर सुंदर अड़हुल का फूल से, जो सामने से तो काफी प्यारा लग रहा है। देखिए छिपकली अब कैसे है, हमको तो बहुत डर लगता है, पता नहीं किधर से आएगा। भी देख रहे हैं, अब देखते हैं, चलिए भगा लेते हैं। देखिए फिर किधर जाए, हमको तो अपने डर लग रहा है, अब पता नहीं किधर भागता है ये छिपकली। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक है। हम लोग का तो चल रहा है किसी तरह। और इधर आज हो गया है शाम, और मैं शाम में ही वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ। वैसे 5 बज रहा है, ज़्यादा शाम नहीं हुआ है, लेकिन ये आजकल जल्दी शाम हो जाता है और अंधेरा भी हो जाता है जल्दी। 6 बजे तक इधर थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है। और इधर देखिए हम लोग का चारों तरफ हरा भरा, पूरा भरा पड़ा है, पूरा अभी हरा भरा। और इधर आज का मौसम भी कुछ इस प्रकार, इधर पूरा बादल बादल किया हुआ है। और इधर देखिए चारों तरफ हम लोग का हरा भरा पूरा। उधर देखिए कुत्ता लोग वहाँ बोरिंग जगह सोया हुआ है। और इधर देखिए आज 2 गो गैया भी आई है चरने के लिए, घास बांधा हुआ है लगता है। इधर पता नहीं कहाँ पे बांधा हुआ है, इधर से रस्सी गया हुआ है। अभी गाय आई है तो थोड़ा बहुत उधर घास थोड़ा कम लग रहा है, नहीं तो इसे दे। पूरा इधर जंगल जैसा भरा पड़ा है चारों तरफ। ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बस घना पेड़ पौधा, जंगल से कम नहीं है। इधर देखिए भुआ पिल्लू, हमको तो बहुत डर लगता है, सट जाने से पूरा बहुत खुजली होता है। आज बेटा का हाथ में वो देखता देखा नहीं, ऐसे हाथ रख दिया और उसी में पूरा फूल गया। और कितना काई काई हो जाता है यही पेड़ पौधा के चलते, पूरा एकदम क्या बोले, कुछ बोलते भी नहीं बनता है। और इधर देखिए हम लोग का यहाँ पे कितना अच्छा फूल खिला हुआ है ये अड़हुल का। इधर अगला साल ही लगाए हैं गमला में, और इसको 1-2 दिन का आगे पीछे लगाए हैं, लेकिन ये जमीन में है तो इसके चलते ये कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। गमला में उतना जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाता है जितना जल्दी ग्रोथ जमीन पे होता है। तो इधर और हम लोग का सूटी का पौधा भी इस बार तो देख रहे हैं थोड़ा हो रहा है, लेकिन हम नहीं कुछ बोलेंगे, फिर सूख जाता है। इधर हम लोग का पपीता का पौधा में भी क्या क्या लतर लग रहा है। और इधर हम लोग का और एक है यही सूटी का पौधा, इसमें इसका पत्ता भी झड़ रहा है, पता नहीं सूख रहा है कि क्या, हमको उतना नहीं पता। ऐसे बहुत साल से लगा के ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था, इस बार लगा है। इस बार कोई दूसरा से लगवाए हैं, हम लोग नहीं लगाए हैं, हम लोग से नहीं जिंदा हो रहा था। और इधर भी पूरा झाड़ी हुआ है, हम तो इधर जब से झाड़ी हुआ है तब से इधर नीचे गए ही नहीं है, हमको कीड़ा ये सबसे बहुत डर लगता है। जितना ज्यादा हमको सांप ये सबसे डर नहीं लगता है, उतना ज्यादा हमको कीड़ा से डर लगता है। चलिए फिर अब चलते हैं छत और देखते हैं छत में कौन कौन सा फूल खिला हुआ है। देखिए छिपकली अब कैसे है, हमको तो बहुत डर लगता है, पता नहीं किधर से आएगा। भी देख रहे हैं, अब देखते हैं, चलिए भगा लेते हैं। देखिए फिर किधर जाए, हमको तो अपने डर लग रहा है, अब पता नहीं किधर भागता है ये छिपकली। हमको खुद ही डर लग रहा है का हम छिपकली भगा, चलिए भगा दिए। तो गाइस तो देखिए छत हम पहुंच गए हैं। और इधर आज इतना सारा फूल खिला हुआ है, तो चलिए फिर फ्रंट कैमरा से उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बैक कैमरा से आप सभी को दिखाते हैं कौन कौन सा फूल खिला हुआ है। देखिए हाँ, सबसे पहले मिलिए हम लोग का ये सुंदर सुंदर अड़हुल का फूल से, जो सामने से तो काफी प्यारा लग रहा है। तो आज छत में हम लोग का इतना सारा फूल खिला हुआ है। और अभी छत फिर से परसों ही झाड़ू किए थे, बस कल भर झाड़ू नहीं किए थे, लेकिन देख रहे हैं फिर से पूरा फूल गिर के भर गया है, अब पत्ता भी गिर के भर गया है। तो ऐसा में कितनों साफ करने से छत साफ नहीं रहता है,
पूरा बारिश आता है, पटाना तो नहीं पड़ता है, गमला सबको पानी देना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर इतना कचरा हो जाता है कि एकदम खराब लगने लगता है। और इधर देखिए हम लोग का सुंदर प्यारा सा एक फूल खिला हुआ है फिर से, हम लोग का ये रोज फ्लावर रेड कलर का, काफी प्यारा लग रहा है। और इसमें तो उस दिन तोड़ दिए थे, तो आज इसको दो को फिर तोड़ देंगे। एक तो येलो ही दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इधर देखिए अभी व्हाइट कलर का फूल तो हम लोग का पीटर पार्क में काम आ रहा है रोज दिन, तो ये अभी कम दिख रहा है, अभी बाहर से नहीं खरीद रहे हैं, बस यही व्हाइट कलर का, ये सदाबहार व्हाइट कलर का फूल और ये व्हाइट अड़हुल, इसी से काम चल रहा है। तो थोड़ा बहुत सुबह में ही तोड़ लेते हैं। और इधर अपराजिता का फूल आज इतना सा खिला हुआ है, इधर 2-4 दिन पहले उतना ज्यादा नहीं आ रहा था। और उधर तो हम दीवार तरफ जाएंगे नहीं, यहाँ भी भुआ पिल्लू हो गया है, छत में भी हम लोग का, ये कीचड़ के चलते होता है या क्या होता है, साफ तो करते रहते हैं फिर भी हो जाता है। तो चलिए फिर यहाँ का भी भुआ पिल्लू आप सभी को दिखा देते हैं। तो देखिए हमको तो कितना डरावना लगता है ये भुआ पिल्लू, आप लोग क्या नाम से जानते हैं इसको, देखिए पता भी नहीं चलता है, दीवाल और भुआ पिल्लू एक जैसा ही दिख रहा है। और इसे में हाथ चल जाता है गलती से तो बाप रे, खुजली जल्दी जाता नहीं है, इसीलिए हम दीवाल का किनार किनार जाते ही नहीं है आजकल। इसीलिए आप सभी को मैं दूर से ही फूल सबका दिखा रही हूँ, सामने तो मेरा हिम्मत नहीं है अभी बरसात भर जाने का। यहाँ भी एक फूल खिला था लेकिन हम नहीं देखे, लगता है कल ही खिला था कि आज खिला था पता नहीं, ये भी थोड़ा अभी ग्रो कर रहा है हम लोग का ये पौधा, इसका भी हो गया 5-7 साल लगाए हैं, 6-7 साल हो गया। और अभी गमला तो चेंज कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ रुक गया है, तो इस बार थोड़ा अभी बरसात खत्म होगा तो छत में 1-2 दिन का काम बाकी है। फिर इधर देखिए हम लोग का धान पक गया, काफी लंबा लंबा बाली भी हुआ है। और यहाँ का भी फूल आज खिला हुआ है, वैसे अभी रेड फूल तोड़ नहीं रहे हैं इसी के चलते, अभी पितर पाक के चलते अभी तो रेड फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसीलिए अभी गमला में थोड़ा बहुत फूल लगा हुआ दिख रहा है। और ऐसे नॉर्मल दिन में तो तोड़ लेते हैं तो थोड़ा सा कम रहता है। और इधर देखिए इधर भी कल ही झाड़ू किए थे, कल नहीं परसों, लेकिन फिर इतना ज्यादा कचरा हो गया। जब तक ये फूल, पता नहीं आप सभी को दिख रहा है या नहीं, ये फूल जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग का ये छत साफ नहीं रहेगा। इधर से काफी प्यारा लग रहा है हम लोग का टेरेस गार्डन का फूल, इतना आज खिला हुआ है। तो आप सभी को हम लोग का टेरेस गार्डन टूर बोल के डालते हैं तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ दूसरा वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। इधर हम लोग का ये ग्रेप्स का पेड़ भी गिर गया है, तो चलिए फिर इसको उठा लेते हैं। देखिए अटका तो दिए हैं लेकिन हवा इधर आज खूब चल रहा है तो कब तक अटकता है। यहाँ देखिए इसका फूल, यही फूल हम लोग का छत पूरा गंदा कर दे रहा है, पूरा फूल के। देखिए ये वाला हम लोग का पौधा, अब पता नहीं पत्ता निकलेगा या सूखता है, अभी तो पूरा पत्ता झड़ गया है, एक भी नहीं है। हाँ देखिए इधर इतना ज्यादा बादल किया हुआ है, पूरा काला किया हुआ है बादल, और इतना ज्यादा फूल खिलता है हम लोग का, इतना अच्छा फूल खिलता है यहाँ फूल जगह से, तो आने के बाद पूरा थकान ही 2 दिन भर का ये थकान ही दूर हो जाता है जब टेरेस गार्डन में इतना सारा फूल दिखता है, तो ऐसा खिलता है तो काफी अच्छा लगता है। और ये वाला अड़हुल जब खिलता है तब का तो कुछ बातें नहीं, ये तो 8-4 चांद लगा देता है,
हम लोग का टेरेस गार्डन में। अभी शाम हो गया तो इसके चलते उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे आप सभी को ये दोपहर 3 बजे तक आप सभी का ये आप सभी से वीडियो शेयर करने के लिए। तो अब देखते हैं, हो ही नहीं पाता है उतना जल्दी। फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के छत आते हैं तो लगता है कि आप सभी से टेरेस गार्डन का वीडियो शेयर कर ही दूँ, तो रुका ही नहीं जाता। इसी के लिए मैं रोज़ दिन आप सभी को हम लोग का टेरेस गार्डन का फूल आप सभी से शेयर करती हूँ। और आप सब टेरेस गार्डन टूर बोल के डालते हैं तो आप सब उसमें थोड़ा बहुत प्यार दिखाते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ इतना व्यूज आ रहा है टेरेस गार्डन टूर पे। तो इसी के लिए फिर मैं बार बार वही टेरेस गार्डन टूर हमने लगा के डाल देती हूँ ताकि आप सब मेरा वीडियो देखें। तो चलिए फिर आज का टेरेस गार्डन टूर आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चलिए फिर लास्ट लास्ट में यहाँ एक सुंदर सा फूल खिला हुआ है जो काफ़ी प्यारा लगता है। अभी उतना अच्छा आ नहीं रहा है। इधर भी एक अड़हुल का फूल है। अभी जैसा कि आप सभी को मैं बार बार बता रहे हैं, शाम हो गया तो इसके चलते अभी मुरझा जा रहा है हम लोग का फूल सब। तो आप देखते हैं कल कौन कौन सा फूल खिलता है। फिर कल आप सभी को मैं टेरेस गार्डन कराऊंगी। इधर देखिए फिर से ये धंस गया है तो इसको फिर से बनाना है। और यहाँ का प्राजिता फूल भी काफ़ी प्यारा लगता है। और मुझे वाइट कलर का अपराजिता भी चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको भी अपना टेरेस गार्डन पे लगाऊंगी और आप सभी से शेयर करूंगी कि कौन कौन सा फूल खिला। चलिए फिर यहाँ का ये दोगो गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। देखिए दोनों फूल तोड़ दिए। अब चलिए इसको यही गमला में ही छोड़ देते हैं, खाद बन जाए। सब बच गया हम लोग का बस एक ही फूल। तो अब देखते हैं ये भी कितना दिन चलता है, फिर इसको भी तोड़ देंगे। और ये फूल तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। इधर भी कली आने शुरू हो गया है। सो गाइस, आज का टेरेस गार्डन टूर तो मैं आप सभी को शेयर करा दी। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरा टेरेस गार्डन टूर आप सभी को कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो मेरा चैनल मंजू सुमंत ब्लॉग आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अब वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।